राजी, वेलकम टू पॉपकॉर्न। आप हमें बताइए कि काफ़ी लंबा गैप हो गया है कि आप दिखे नहीं है कहीं टाइम बॉम्ब के बाद, सीआईडी के बाद, तो क्या प्लान्स हैं आपके? अभी आपके फैंस आपको नेक्स्ट कब देखने वाले हैं? एक्चुअली मैं दिखा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कुछ मिला ही नहीं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं मिला मुझे करने के लिए। एंड सिर्फ करने के लिए मैं कुछ कर लूँ या सिर्फ साइन करने के लिए मैं 3-4 सीरियल साइन कर लूँ, ये मेरी फितरत में है भी नहीं और मुझसे होता भी नहीं है। सो मैं वेट कर रहा हूँ बहुत दिनों से कि कुछ सेंसेबल हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको सुनने के बाद मुझे लगे कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ या मुझे एक फायर सी आनी चाहिए अंदर से। सो दैट इज़ नॉट बीन हैपनिंग, तो इसलिए मैंने कुछ साइन नहीं किया। और पता नहीं, मुझे जो लोग कहते हैं कि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हो जाता है और आदमी दिखते रहना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आप में थोड़ा सा भी पोटेंशियल है और अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं तो ये सब चीज़ें माइंड में नहीं रखती। लोग फिल्मों में ब्रेक लेते हैं, मैं टेलीविजन में ब्रेक लिया हुआ है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट थिंग। और ऐसा नहीं कि मैं टोटली ब्रेक पे हूँ, मैं बहुत कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। इन द सेंस कि मैं कम हाल फिलहाल में एक म्यूज़िक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ एंड आई एम श्योर कि जितने मेरे फैंस हैं जो मुझे लाइक करते हैं, जो चाहते हैं मुझे देखना, वो लोग मुझे उस वीडियो में देख के प्रॉब्ली दे विल सी अ डिफरेंट साइड ऑफ राजीव, वो कुछ एक हटकर राजीव को देखने वाले हैं। तो आई एम हैप्पी व्हाटएवर आई एम डूइंग। आर वी गोइंग टू कवर योर वीडियो? यस, देन आई वोंट टॉक अबाउट द वीडियो इन नो है ना। ओके, तो क्या इस वीडियो में आपके डांसिंग एबिलिटीज आपके फैंस देखने वाले हैं या कोई एकदम स्लो या रोमांटिक टू लव अ बॉय लुक है आपकी? बहुत ही इंटेंस रोमांटिक किस्म का वीडियो होगा एंड जो डायरेक्ट कर रहे हैं उसे राहुल सूद, बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किए हैं एंड इट्स गोना बी डिफरेंट, इज ऑल आई कैन से। तो हाल ही में जैसे आप एक शो कर रहे हैं अभी, उसमें परफॉर्म करने वाले हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए थोड़ा सा। देखिए अगर मैं बोलूँगा कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है बहुत लड़के चलेंगे कि प्लीज़ राजीव डोंट डांस, बट मैं खुद चाहता हूँ कि मैं खुद को एक सरप्राइज़ दूँ और मैं खुद को ये हैरान कर दूँ कि मैं परफॉर्म अच्छा भी करता हूँ और डांस भी अच्छा करता हूँ। आई लव डांसिंग एंड आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट, क्योंकि खासकर ये बहुत ही एक बड़े लेवल पे शो है और एज ऑफ नाउ द कोरियोग्राफर इज़ प्रीटी हैप्पी और मैं खुद बहुत खुश हूँ, अच्छे गाने और आई थिंक आई शुड डू अ डिसेंट जॉब। तो एक जैसा मिसकंसेप्शन है कि राजीव कांट डांस, क्योंकि लोगों ने आपको यू नो दे नेवर सीन यू डांसिंग, जो भी आपने अवार्ड्स पे भी परफॉर्मेंसेस किए हैं दे आर मोस्टली यू नो वेरी स्लो गोइंग इजी गोइंग, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि राजीव नाच रहा है इस बार पहली बार और देखते हैं क्या करते हैं। एंड आप यू आर द ओनली टेलीविजन एक्टर हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस शो अमंगस्ट फिल्म स्टार्स, तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा है अभी तक सो फार? हाँ देखिए, सच पूछोगे तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है कि मैं एक उस ग्रुप में जा रहा हूँ जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह लोग हैं, शाहरुख, सलमान, सैफ, सेलिना और एक नाम राजीव खंडेलवाल भी है उसमें। सो जी हाँ, हिचकॉलिक आता है दिल कई बार सोच के, बट इट ऑल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे बहुत एक कॉन्फिडेंस भी देता है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो लाख लोगों के सामने परफॉर्म करने वाला हूँ, लोगों के साथ में। और मुझे बताया गया कि वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं मुझे स्टेज पे, तो इट्स आई एम श्योर इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज फैंटास्टिक मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। तो अभी तक जो रिहर्सल्स हुई हैं, कोई भी ऐसे कोई फनी मोमेंट या कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आपको याद है? हाँ मुझे याद है, पहले दिन ही जब मैं परफॉर्म कर रहा था, जब मैं रिहर्स कर रहा था कोरियोग्राफर के साथ में, तो बहुत ईजी डांस नहीं, थोड़े डिफिकल्ट स्टेप्स हैं और तभी दिया वहाँ पे आई और दिया खड़ो की मेरी रिहर्सल देखने लग गई। और वैसे भी मैं अपने हिसाब से पिकअप करता हूँ एंड दिया को देखती मैं शायद जितना आता था वो भी भूल गया मैं एंड आई वाज रियली आई मीन एवरीथिंग वाज गोइंग रॉन्ग। मैं मन में कोशिश कर रहा हूँ कि यार कम से कम ये जाए तब मैं करूँ, फिर मैं डिस्कशन में लग गया, फिर मैं कुछ कर रहा हूँ एंड बट शी वाज नॉट गोइंग, बैठ गई वहाँ पे एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि मैं आई मीन आई वॉज डूइंग सो क्लम्सी, मतलब मैं जो डांस करूँ वो नया नया स्टेप लेके आया और मैं उसके सामने करूँ, फिर मैं पानी पीने के बहाने बाहर निकल गया और आई जस्ट इसकी और उसके बाद 10 मिनट के बाद दिया भी खुद भी चले गई कि शी कुडंट हैंडल द टॉर्चर आई गेस। सो बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक पूरा मेरा 8 मिनट का एक सीक्वेंस है, बहुत अच्छा बना है एंड आई एम डूइंग वेरी
गुड नंबर्स, रंग दे बसंती के नंबर गाने पे मैं डांस कर रहा हूँ, और नच बलिए पे कर रहा हूँ, और कावा कावा पे कर रहा हूँ, एंड I'm very excited about it. I think it's going to be very, very nice. So you've seen a practice में आप देखते आए हैं ये film stars, balance is on the right. जैसे कि आप देखते आए हैं rehearsals में भी, तो if you can tell us a little bit about these stars, आपने क्या observe किया है इनको? I think ये लोग इतने shows कर चुके हैं, generally इन लोगों के पास अपने वो shows होते हैं जो ये लोग पिछले कई सालों से अलग-अलग जगह पे करते आए हैं. So I like the attitude कि वो शायद मुझ जैसे इतनी मेहनत नहीं करते, वो 25 बार और डांस कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है. बट आई लाइक द प्रोफेशनलिज्म. मुझे जितनों को भी मैंने देखा तो मुझे लगा कि इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड हाउ टू हैंडल एक स्टेज पे छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैंडल करनी चाहिए वो एटलीस्ट आई एम सीइंग इट नॉट लर्निंग. तो आई एम ग्लैड दैट कि आई एम वर्किंग विद ऑल सच ह्यूज पीपल. तो कहीं भी थोड़ी सी नर्वसनेस है, यू विल बी परफॉर्मिंग फर्स्ट टाइम इन सब बिग नेम्स के साथ? नर्वसनेस तो नहीं, बहुत एक्साइटमेंट है. आई डोंट नो व्हाई, आई मीन अदर जनरली मुझे लगता है ऐसा कि मतलब मुझे नर्वस होना चाहिए था, लेकिन समाव मैं बहुत ही आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज मैंने कभी डांस नहीं किया और मैं पहली बार डांस इन टर्म्स ऑफ लिटरली डांस करने जा रहा हूँ. एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ पीपल. स्टेज है तो जाहिर सी बात रिएक्शन सामने नजर आता है. तो जैसे कि टीवी इंडस्ट्री से ये तो ओनली वन पिक्ड अप, तो कहीं आप फील कर रहे हैं एन एज अबाउट द अदर्स के आपको लिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक इट्स मुझे अगर उन्होंने लेके जा रहे हैं सब कुछ साथ में और अगर डिमांड है तो वो शायद इसीलिए कि लोग आई थिंक अभी तक मुझे देखना चाहते हैं. और ऐसा नहीं कि मैं किसी से बेहतर हूँ या कोई मुझसे नीचे, आई थिंक मुझसे ज़्यादा पॉपुलर और अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन आई थिंक मैं अभी फ्लेवर लोगों के दिलों में. और आई थिंक ऑल्सो बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया हूँ, तो लोगों ने बहुत ही आई थिंक वो एक डिज़ायर है लोगों की, एक इच्छा है कि वो मुझे देखें, मेरी भी इच्छा है कि मैं लोगों से मिलूँ. तो राजीव, डू यू थिंक के शोज आर अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद योर ऑडियंसेस? काफ़ी अच्छा मीडियम है, तो उसको आप ज़्यादातर अगर एक्टिंग में भी आ गए फिर से तो कंटिन्यू रखेंगे ये ट्रेंड शोज करने का अपने? हाँ, मैं पहला ये ऐसा परफॉर्मेंस है जिससे मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस शो को ये जो अपनी जो एक पर्टिकुलर जो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ इसको आई टेक इट टू डिफरेंट सिटीज़, और जहाँ जहाँ पे भी मैं अब अपीयरेंसेस करूँगा मैं आई एम श्योर दैट पीपल आर गोइंग टू लव मी इन दिस वे ऑल्सो. एंड मुझे मतलब मैंने इनफैक्ट कोरियोग्राफर से बात भी की है मैंने कि अब आइंदा जब भी कुछ शोज़ करेंगे तो क्योंकि हमने एक एक्ट तो तैयार कर लिया, ऐसे 3-4 एक्ट तैयार करेंगे और विल टेक दैट शो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑल अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग जगहों पर या अलग अलग प्रॉब्ली मे बी अब्रॉड वेयर जहाँ लोग चाहते हैं कि मैं. तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप अभी बढ़ गया है आपका टीवी से आगे, तो टीवी को जैसे मीडियोकर वे से आप लुक? नहीं, टीवी कभी भी मीडियोकर नहीं रहेगा. मैं बहुत इस बात से कभी भी पीछे नहीं हटूँगा इजहार करने में कि टेलीविज़न ने ही मुझे मेरी पहचान दी है और टेलीविज़न से ही मेरी आई थिंक आज अगर लाखों करोड़ों लोग मेरे बारे में सोचते भी हैं तो वो शायद टेलीविज़न की वजह से ही सोचते हैं. तो टेलीविज़न विल ऑलवेज बी देयर प्रॉबली इन माई ब्लड एंड इन माई सिस्टम, हमेशा रहेगा. मैं जब भी कभी मैं इनफैक्ट इस साल भी टेलीविज़न करना चाहता हूँ और शायद करूँगा भी, बट इट्स जस्ट दैट कि मैं वो करना चाहता हूँ जिसमें मैं भरोसा रखूँ, जिस पर मुझे लगे कि मुझे ये करना चाहिए. सिर्फ करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना करूँ, और भले ही मैं फिल्में करूँ, भले ही मैं और भी चीज़ें करूँ, मैं भले ही बहुत आगे जाऊँ, लेकिन टेलीविज़न कभी पीछे नहीं रहेगा मुझसे. आई थिंक आई बी मोर देन ग्लैड टू कनेक्ट विद दोज करोड़ एंड करोड़ ऑफ पीपल जो टेलीविज़न को रोज़ देखते हैं. तो जैसे कि फिल्म्स ऑफर्स भी अभी आ रहे हैं आपके, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, फिल्में साइन करना बहुत बड़ी बात नहीं है आज की तारीख में. मुझ जैसे बहुत से एक्टर्स हैं जो फिल्म साइन कर सकते हैं, क्योंकि फिल्में इतनी बनती हैं और इतनी बन रही हैं कि अगर थोड़ा सा भी पॉपुलर फेस है तो फिल्म मेकर्स जो न्यू प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग सब इनकैश करना चाहते हैं. अच्छी फिल्म बनाना और फिल्म चलाना और एक अच्छी परफॉर्मेंस देना वो बड़ी बात होती है. तो दिस ईयर आई मेड अप माय माइंड कि मैं फिल्म करूँगा, और कुछ एक सब्जेक्ट्स भी हैं, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मेकर्स, कि राइट मेकर्स मिले मेरे को जो उन सब्जेक्ट्स को जस्टिफाई करें और अच्छे ट्रीट कर सकें. सो आई एम होपिंग दिस ईयर आई माइट गिव माई डेब्यू फिल्म टू द ऑडियंसेस, एंड देखते हैं कि सफ़र
कब शुरू होता है? तो डेब्यू फिल्म आपने साइन कर ली है अपनी, राइट? पेपर में जैसे कि आया था इसके बारे में। देखिए, मैंने फिल्म, मैंने एक अग्रीमेंट साइन किया उन लोगों के साथ में, बिकॉज अच्छे लोग हैं और अच्छा काम किया है, उनकी फिल्में अच्छी हैं, सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीन फिल्म है। एंड वो लोग हैं जो जो फिल्म मेकिंग को बड़ी पैशनेटली देखते हैं, तो मैं जाहिर सी बात है मैं इन लोगों के साथ काम करना चाहूँगा बहुत सा। लेकिन अभी फिल्म बनाना इतनी आसान भी चीज़ नहीं है, सेंस कि इसमें म्यूज़िक होता है, उसमें स्क्रीन प्ले होता है, उसमें बहुत और भी ऐसे पहलू होते हैं जिसे देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी फिलहाल उन्हीं पे आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई साइन एन अग्रीमेंट विद दिस पीपल कि आई मीन कि मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के साथ में काम करने में, और वो लोग भी बहुत ही कीन है मेरे साथ काम करने में, तो आई थिंक इज़ म्यूचुअल। सो आई होप कि हमारी जो एसोसिएशन रहेगी वो एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों को देगी। सो लेट्स सी। तो जैसे कि आप एक्शन भी ट्राई कर चुके हैं टेलीविजन में, रोमांटिक रोल्स भी ट्राई कर चुके हैं, फिल्म्स में किस तरीके में आप आना चाहते हैं? कॉमेडी यू वांट टू ट्राई? या मैं डेब्यू फिल्म चाहता हूँ कि मैं बहुत ही एक रोमांटिक फिल्म करूँ, बहुत ही पैशनेटली रोमांटिक फिल्म करूँ। उसके बाद व्हाटएवर, आई मीन ऑफकोर्स एक एक्टर हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जो मैं टेलीविजन में भी कोशिश कर रहा हूँ और फिल्मों में भी जाहिर सी बात है मैं आई वांट टू एक्सपेरिमेंट। आई लव डूइंग अ रोमांटिक कॉमेडी एंड आई प्रॉब्ली इवन प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर एट सम पॉइंट टाइम इन माय लाइफ। आई मीन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, लेकिन पहली फिल्म मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत ही पैशनेटली रोमांटिक फिल्म। ओके, एनी एक्सपेक्टेशंस आपके फिल्म करियर से, आपको क्या लगता है? एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही है मेरी कि मैं अगर फिल्में भी करता हूँ तो जो एक सिलसिला शुरू हुआ है लोगों की मोहब्बत का, उसे मैं बरकरार रखूँ, उसे आगे बढ़ाऊँ। एंड आई होप कि मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरूँ। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन लोगों से नहीं है, एक्सपेक्टेशन खुद ही से हैं कि आई होप दैट आई एम डिजर्विंग इनफ ऑफ ऑल द लव एंड अफेक्शन एंड एडोरेशन व्हिच आई गेट फ्रॉम पीपल। लेट्स सी। थैंक यू।